क्लास 10th, लेक्चर नंबर 12, एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 1.3। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.3 के बेटा पहले दो टाइप हम कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सोल्व हो गए थे। उम्मीद है आपने पीछे अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। आज हमने टाइप नंबर 3 करना है, यानी टाइप नंबर 3 रेसिप्रोकल किस्म टाइप की बेटा इक्वेशंस होंगी, उसे हम सोल्व कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, एक्स पावर 4 माइनस 2x3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आ जाए, यानी रेसिप्रोकल टाइप इक्वेशंस आ जाए, तो बेटा इसको किस तरह सोल्व करेंगे ये सब बच्चे जरा ध्यान से देखें। आपकी एक्सरसाइज 1.3 में ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस टाइप का है, यानी टाइप 3 में सिर्फ दो पार्ट हैं। 10 वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा बेटा, 11 वाला आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। आपकी आज की डायरी का यही काम होगा कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले वही अगेन बात रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने चेक करना है, हमें सिर्फ सोल्व करने के मेथड आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व करने के मेथड आते हैं, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0। इसे क्या ये शेप बनी हुई है, ऐसी अभी शेप नहीं बनी हुई, तो सबसे पहले इसको शेप बनाएंगे और सोल्यूशन में लेके चलेंगे बेटा। सब बेटा यहाँ पे लिखे हुई इक्वेशन जरा देखिए, मुझे कौन सी पावर हाइएस्ट चाहिए होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² चाहिए होती है, यहाँ पावर क्या है, x4 है। इसको मैं x² बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ बेटा, डिवाइड बाय x square थ्रू आउट लेफ्ट हैंड एंड बाय राइट हैंड साइड दोनों को बेटा क्या कर दूंगा, x² पे डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए x² डिवाइड किया, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके बेटा, आगे नेक्स्ट देखें बेटा, ये पावर 4 है, ये 2 है, 2 बेटा कैंसिल होगी, बाकी क्या रह गए, 2 रह गई। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 कैंसिल होगी, बाकी क्या रह गई, 1 रह गई। यहाँ 2 से 2 वाली पावर कैंसिल हो गई बेटा, यहाँ पे एक्स ऊपर 1 पावर, नीचे 1 का क्लोज बेटा, नीचे आ गया एक्स, यहाँ 1/x वैसे स्क्वायर वैसे आ गया, यहाँ 0 से कुछ भी डिवाइड हो गया बेटा, क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है बेटा? अब मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है बेटा, x² वाली वैल्यू एक तरफ की, x² ये वाला, और प्लस 1/x² एक तरफ कर लिया, माइनस 2x और प्लस 2/x एक तरफ कर लिया, और ये माइनस 2 बेटा साइड पे गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बेटा? आगे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, ये वैसे आ गया x² प्लस 1/x² वैसे आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, साथ माइनस है, तो माइनस 2 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन, बाकी क्या रह गया, x माइनस 1/x आ गया, क्योंकि माइनस निकाला था, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर बेटा? आप बेटा क्या करेंगे बेटा, x² प्लस 1/x² ऐसे बेटा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये सारी मेरे के पास बेटा क्या बन गई है, इक्वेशन, इसमें से बेटा मैं लेट कर रहा हूँ इस वाली वैल्यू को, x माइनस 1/x को बेटा लेट करूँगा y, क्या करूँगा बेटा, y, क्यों कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में देखें साहब बच्चे जी। बेटा लेट किया x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, y ले लिया। अगर दोनों टेकिंग स्केयर करूं मैं, इधर भी स्केयर हो गया, इधर भी स्केयर, तो आपको ये फार्मूला याद होगा, a माइनस b होल स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ज़रा देखें यहाँ पे a की जगह क्या आ गया, x, और b की जगह क्या आ गया, 1/x आ गया। इसे मैं ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, x² माइनस 2a क्या x, और b क्या 1/x प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, y स्केयर। ये x और x आपस में कैंसिल हो गया बेटा, x² बच गया बेटा, ये माइनस 2 बेटा ऑपोजिट आके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, प्लस मेरे पास तो क्या बच गया बेटा, 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, y² प्लस क्या आ गया, 2। ओके बेटा, आगे ज़रा देखें सब बच्चे, मैंने पुट इन अबव जो इक्वेशन मेरे पास बनी हुई थी, जहाँ से मैंने लेट किया था वहाँ से बेटा मैंने क्या किया, x² प्लस 1/x² की जगह क्या पुट कर दिया, y² प्लस 2 पुट कर दिया, माइनस 2 वैसे x माइनस 1/x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, y पुट कर दिया, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बेटा? आप ज़रा देखें, y² प्लस 2 बेटा माइनस 2y हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ऑपोजिट साइन है, आपस में बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया बेटा, y² माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इन दोनों में से बेटा y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाला बेटा, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये y भी इज इक्वल टू क्या है, 0, और y माइनस 2 भी क्या है, 0। यहाँ एक बात नोट करें बेटा, अगर यहाँ पे ये कैंसिल ना होते तो हमारे पास क्या आती, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता बेटा,
क्वालिफिकेशन आती, उससे हम वहाँ फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड कर लेते। बट ये कैंसिल होने के बाद बेटा हमारे पास सिंपल बेटा क्वेश्चन आ गई, इससे क्वाड्रेटिक नहीं बनी थी, सिंपल सोल्व हो रही थी, इसलिए मैंने इसे सिंपल सोल्व कर दिया। ये y इज इक्वल टू क्या है 0 और y इज इक्वल टू क्या है 2। बट ज़रा नोट करें, अभी मैं डेली बताता हूँ कि अभी तक क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं हुआ, ये वाई वाले आंसर आए हैं चूँकि ये लेट किया हुआ है। क्वेश्चन हमें किस में दिया गया था, एक्स में बेटा, तो आंसर और सोल्यूशन सेट भी किस में आना चाहिए, एक्स में। तो मज़ीद बेटा हम यहाँ पे वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स वाले क्या करेंगे, आंसर जैसे डेली निकालते हैं वैसे आंसर निकालेंगे। टू वैल्यू है वाई की बेटा, तो नेक्स्ट टू स्टेप करेंगे। सब इधर ध्यान से देखें जी बेटा, नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वन ओवर एक्स है। सो x माइनस वन ओवर एक्स, एक y के आया हुआ था 0, वो पुट किया बेटा, x के नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 लगा लिया, एलसीएम ले लिया बेटा, x आ गया 1x, x और x शेयर हो गया, माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0। ये x बेटा इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, x शेयर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये माइनस हो रहा है, ओपोजिट आके बेटा क्या हो गया 1। आपको x चाहिए बेटा तो स्केयर रूट ले लिया बेटा दोनों तरफ, ये कैंसिल हो गया, और आपको पता 1 का स्केयर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1 ही होता है। तो x एक आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। क्लियर है बेटा। दूसरा y हमारे पास क्या था बेटा, 2 आंसर था, मैंने दोबारा लिखा y इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1 ओवर x है बेटा, इज इक्वल टू क्या 2, सेम वैसे एलसीएम लिया है, नीचे x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके बेटा, ये x जो नीचे डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट आके बेटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया 2x बन गया बेटा। अब 2x यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, इस तरफ आ क्या हो गया, माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ बेटा ज़रा नोट करें, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है आपके पास, ये आपके पास क्या बन रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मैंने बाय कंपेयर किया किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बेटा, वो क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसे सोल्व करने का मेथड क्या, x से 1.2 में सीखा हुआ है, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, c इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 आ गया। ये वाली वैल्यू बेटा क्या यूजिंग करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 2a, ये फार्मूला बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी की क्या वैल्यू पुट करेंगे बेटा, और हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा। आप देखें b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस 2 पुट किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बेटा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है माइनस 1 ओवर 2 इन टू में क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर बेटा, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 हो गया, ओवर 2 1 था 2 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, 2 वैसे आ गया, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8 हो गया, 8 को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो कैसे करूँगा बेटा, 2 प्लस 2 बेटा स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू था 4, 4 टू था 8। ओके बेटा, अब मैं स्क्वायर रूट पेयर लैदा कर दिया बेटा, स्क्वायर रूट 2 का पेयर हो गया और ए स्क्वायर रूट बेटा लैदा आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, बाकी मेरे पास क्या बचा आगे देखिएगा जी बेटा। यहाँ से बेटा आप देखें, मैंने 2 बाहर रह गया, ए स्क्वायर रूट भी रह गया बेटा, ओवर 2 आ गया, इन दोनों में से 2 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया बेटा। आगे 2 का बेटा फैक्टर नहीं होता और ये बेटा स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ए सो बेटा, एक एक्स का क्या निकला था आपके पास, प्लस माइनस 1 निकला था, और एक आपके पास क्या है 1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 है बेटा। तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन सेट है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, वेरी इजी है, बट क्या है थोड़ा लेंथी है, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को रिपीट करके देखें। कोई परेशानी होती है फिर भी बेटा मेरे से स्कूल में आके आप डिस्कस कर सकते हैं। होम असाइनमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, टाइप 3 का बेटा एक पार्ट मैंने किया, क्वेश्चन नंबर एक्स 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ एक पार्ट आपने घर में प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सोल्व करना है बेटा। आपके तावन का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।